उदयश्री मीणा साहब थे जी जब आप अपील लगा रखी है डीजीपी साहब है पंचकुला सर अपील लगा रखी है। हाँ सर आप मेरा कागज पास आ लिया जी 4-5 दिन हो लिया मेरा रिकॉर्ड रोहतक तक से सर। अच्छा ठीक है तो मेरा कोई दोष नहीं सर तेरे बड़े बच्चे ने 24 साल से उसने लेकिन देखो जी आप कोई नहीं जय सर ये आपके पास एक कर्मचारी है सतीश कुमार उसकी वाइफ ने सोनीपत में इसकी दरख्वास्त जमा करवा रखी है 1 साल से सोनीपत पुलिस बता रही है अनट्रेस्ड है वो आपके पास सर्विस में है या नहीं है अच्छा तो आपने कार्रवाई करी उसके खिलाफ नहीं यार कितने दिन से एब्सेंट है आपने कोई कार्रवाई करी नहीं कुछ टाइम अंडर सस्पेंशन है मेरे और इसका केस बना के मेरे को इसकी संख्या में लोग पहुंचे हैं काफी संख्या में हम हर दूसरे और चौथे शनिवार को जनता की शिकायतें सुनने के लिए कैंप लगाते हैं आज भी ये कैंप लगाया गया है हालांकि बारिश हो रही है लेकिन फिर भी बहुत सारी क्षेत्रों से हर जिले से लगभग वहाँ पर हम आए हुए हैं सबकी शिकायतें सुन सब आपने ऑर्डर भी दिए हैं पुलिस की इन्वॉल्वमेंट को लेकर कुछ केसेस आए हैं जिसमें पुलिस की इन्वॉल्वमेंट अलर्ज करनी है अब वो है या नहीं वो जांच के बाद पता लगेगा लेकिन मैंने सबको वार्निंग दी है कि और आपके माध्यम से भी मैं ये वार्निंग देना चाहता हूँ कि अगर मेरे सामने किसी भी केस में पुलिस की संलिप्तता पाई गई तो मैं सख्त कार्रवाई करूँगा पुलिस का काम है कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना और कहीं पर भी ढिलाई ना बरती जाए ऐसा मैं चाहता हूँ अगर कहीं पर भी ढिलाई बरती जाती है और तो वहाँ पर कानून व्यवस्था खराब होती है तो दबंगई अगर दिखाई जाती है तो उसको बर्दाश्त नहीं तो कई सर हमें आज भी कॉल्स करने पड़े हैं एसपी को ऑर्डर्स देने पड़े हैं कई मामलों में आज भी ऑर्डर्स देने नहीं मैं सख्त कार्रवाई करता हूँ मैं जानना चाहता हूँ इसी बात की सर आज एक को सस्पेंड भी किया गया क्या हाँ जी वो एक केस आया था वो पुलिस कांस्टेबल ही है महिला पुलिस कांस्टेबल है उसकी शादी किसी पुलिस वाले से हुई होगी और 1 साल से वो एब्सकॉन्डिंग है तो इसलिए उसको सस्पेंड किया लोग इस बार का फ्लड आया है वो अपने आप में एक बहुत आपदा है बहुत बड़ी संख्या में पानी आया और दोबारा ना आएगा प्रशासन पूरा लगा हुआ है फ्लड में भी लगा रहा सारा प्रशासन अब भी पूरी कार्रवाई कर रहा है और इसको फ्लड अफेक्टेड भी अम्बाला जिले को डिक्लेयर कर दिया गया है जो 12 जिले के उसमें अम्बाला जिला भी अफेक्टेड है और लोगों की जो जिनके डैमेज हुए हैं वो शहर में अपनी जो एप्लीकेशंस हैं वो म्यूनसिपैलिटी में जमा करा सकते हैं और जो गांव के लोग हैं वो तहसील में जमा करवा सकते हैं और सरकार ने बकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दी है कि किस चीज़ का कितना मुआवजा दिया जाएगा तो सारों को हम कंपनसेट करेंगे जितना मैक्सिमम कर सकते हैं।
सर आपको इफेक्ट्स बहुत आ रहे हैं, बीमारियां लोगों में आ रही हैं, उसको लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट बीमारियों के लिए तो हेल्थ डिपार्टमेंट पूरी तरह से सक्रिय है और सारे जगह जगह घर घर जाके भी लोगों को बताया जा रहा है और दवाई छिड़की जा रही है और फॉगिंग कराने के भी मेरे निर्देश दिए। गंदगी भी सर बहुत ज़्यादा नहीं, सब जगह से जो गंदगी को उठाया जाए ये भी सबको काम। अलर्ट जारी किया गया बारिश के बाद, क्या कुछ देखिए हमारे जो शहर से जो बरसाती नदियां बहती हैं तो पहाड़ों पर भी अगर बारिश होती है और यहाँ नहीं भी होती है तब भी उनमें पानी आता है, कोई नई बात नहीं है, पहले भी आता है, तो आज भी आया था पानी और अब चला गया।